नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में मीन राशि होती है, यानी 12 का अंक लिखा होता है, मीन राशि होती है, उस भाव से संबंधित जातक को कोई भी योजना नहीं बनानी चाहिए, कोई भी प्लानिंग अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी योजना बनाएंगे, जो भी प्लानिंग बनाएंगे, उससे उल्ट सभी कार्य होंगे। मीन राशि जिसका चिन्ह है दो मछलियां और दोनों का जो मुख है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टी दिशा में है। इसलिए जो हमने अपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उनको मीन राशि संतुलित करती है। तो जिस भाव में मीन राशि होगी जातक उस भाव से थोड़ा असंतुष्ट रहेगा। अच्छे काम भी होंगे और बुरे काम भी होंगे, लेकिन जितना अच्छे काम करने के पीछे भागेगा, जितनी कोशिश करेगा उतनी ही निराशा मिलेगी। जितना ईश्वर पर प्रकृति पर छोड़ेगा उतना ही जातक संतुष्ट रहेगा, जीवन सुखी रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव में मीन राशि हो तो समाज में अपनी हैसियत और इज्जत बढ़ाने के लिए कभी भी कोई प्लानिंग ना करें, कभी भी इस तरह के काम ना करें कि समाज में लोग मुझे अच्छा कहें, यानी कि बड़ी गाड़ी खरीद लेनी और बहुत अच्छे कपड़े पहनने, फजूल का खर्च करना, हेयर स्टाइल है जो आपका बालों का स्टाइल है उसको बार बार चेंज करना, और इसके अलावा जो आपकी जन्मभूमि है उसके नजदीक जितना रहना चाहोगे, जन्मभूमि से जितना प्यार करोगे उतना ही आपका भाई जो इज्जत है, मान है, सम्मान है वो कम होगा। तो जन्मभूमि से दूर कार्य कीजिए तो आपको इज्जत, मान, सम्मान इसकी वृद्धि होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य, सेहत इसका ख्याल रखें, लेकिन कोई बहम ना करें। कोई छोटी सी बीमारी हो गई तो सोचते ना रहें कि बहुत बड़ी बीमारी ना बन जाए, यानी कि छोटी बीमारी का अधिक परवाह ना करें और उसको जल्दी ठीक करने की कोशिश ना करें। नहीं तो जो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी उससे आपकी जो बीमारी है वो बढ़ेगी। इसके अलावा विनम्रता, ये भी आप स्थिति देखकर करें कि कब विनम्र होना है, कब विनम्र नहीं होना, नहीं तो आपकी विनम्रता का दूसरे नजायज लाभ उठाएंगे। अगर दूसरे भाव में मीन राशि हो तो भाई पैसे कैसे संचित करने हैं, धन कैसे जोड़ना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसकी कोई प्लानिंग ना बनाएं। कभी घर का बजट ना बनाएं कि उस वस्तु पर इतने पैसे खर्च करने हैं, उस पर इतने पैसे खर्च करने हैं। जब भी आप बजट बनाओगे कि मैंने इतनी सेविंग करनी है, तब आपका खर्च बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो वाणी है आपकी,
पहले नहीं सोचना कि मैं अपनी वाणी के सहारे उससे ये काम निकलवा लूंगा, जिससे काम हो अगर उससे बहुत अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो आपका काम डिले होगा। वाणी संतुलित रखिए, वाणी में आत्मविश्वास रखिए, तो आपके सभी कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। जो परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनके साथ भी जब बात करें तो दब कर ना करें, इस तरह बात करें कि आपकी बात में बल लगता हो, कॉन्फिडेंस हो, तो परिवार में कुटुंब में आपका इज्जत और मान बना रहेगा। अगर भाई तीसरे भाव में मीन राशि हो तो जब भी मेहनत करें आप, कोई भी कार्य शुरू किया हो मेहनत करें, मगर मेहनत की दिशा और दशा सही होनी चाहिए। जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन लाभ नहीं मिला क्योंकि दिशा और दशा सही नहीं थी। कई बार जिम्मेदारी दूसरों की अधिक उठा ली, अपने काम रह गए, दूसरों के प्रति फर्ज अधिक निभा लिया, खुद नुकसान उठा लिया। दूसरों की सहायता तब करें जब आपके पास क्षमता हो, अपनी क्षमता से अधिक अपना काम छोड़कर दूसरों की आप सहायता करते हैं और बाद में जब दूसरे आपको क्रेडिट नहीं देते कि आपने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, फिर भाई आपको गुस्सा आता। इसके अलावा अगर दूसरों की सहायता करोगे तो गुप्त शत्रु आपके पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आप न्याय का पक्ष लेते हो, जिसके कारण जो ऑपोजिट पार्टी होगी वो आपसे शत्रुता करेगी और जब भी उसको मौका मिलेगा वो भाई आपका नुकसान करेंगे। इसलिए जब बहुत आवश्यक हो, किसी के साथ बहुत अन्याय हो रहा हो, तभी उसकी सहायता करनी है। छोटी छोटी यात्राएं करते रहें, अधिक ना सोचें। जब दिमाग में आए छोटी यात्रा कर ले। मीन राशि है, देवगुरु की राशि है, धार्मिक यात्राएं आपको लाभ देंगी। जो भाई बहन है आपके, उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, अपना फर्ज पूरा कीजिए लेकिन लेन देन का कोई काम ना करें और उनसे कोई एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना रखें। अगर भाई चौथे भाव में मीन राशि हो तो जीवन में अगर आपने सुख पाना है तो सभी मनोकामनाएं शून्य कर दें, जीरो कर दें, तो जो भी आपकी आवश्यकता होगी ईश्वर खुद पूरी करेंगे। अगर मनोकामनाएं अधिक होंगी तो इसका सीधा असर आपके हृदय पर पड़ेगा, हृदय की बीमारियां आपको हो सकती हैं और आपकी मनोकामनाओं के कारण हृदय की बीमारियों पर खर्च थोड़ा अधिक होगा। परिवार के जो लोग हैं सभी को संतुष्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जो असूल है, जो नीति कहती है उसके हिसाब से चलना है। अगर परिवार का कोई सदस्य नजायज आपसे कोई मांग करे तो बिल्कुल पूरी ना करें। नाराज होता है तो हो जाने दीजिए। मकान बनाना है, वाहन खरीदना है, कोई प्लानिंग नहीं करनी। जब अच्छी दशा अंतरदशा आएगी अपने आप रास्ते खुलेंगे और आपका अच्छा मकान भी बनेगा और आपके पास अच्छा वाहन भी होगा। इसके अलावा थोड़ा छल कपट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपके अपने ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि गुरु की राशि है। छोटा सा बगीचा अपने घर में अवश्य बनाएं। अगर फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो भाई गमले वगैरह रख लें,
तो आपको लाभ होगा। अगर पंचम भाव में मीन राशि हो तो किसी के साथ आपकी कोई थोड़ी बहुत दुश्मनी हो या कार्य क्षेत्र में कोई आपके खिलाफ काम कर रहा हो तो आप योजना बनाकर किसी के साथ तर्क वितर्क ना करें। जब भी तर्क वितर्क करना हो तो विदाउट एनी प्लानिंग करें, यानी सोच विचार कर अगर किसी से बहसबाजी करोगे या किसी ने आपको कोई बात कह दी तो तुरंत उसका जवाब दीजिए। ये नहीं कि किसी ने बात कह दी, रात भर सोचते रहे तो अगले दिन जाकर उसका जवाब देने लगे, तो इससे आपकी इज्जत समाज में और कम होगी। ईमानदारी एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन लिमिट से अधिक अगर ईमानदार लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए शो करोगे कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तो भाई आपके लिए बहुत नुकसान होगा इस बात का, और लोगों ने आपको कुछ नहीं देना। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको ही थोड़ा छल कपट करना पड़ेगा। अगर अपने आप को आइडियल सिद्ध करने में लगे रहे तो आपकी अपने आपकी संतान जिसके साथ आपके रिलेशन है, खास तौर पर विपरीत लिंग के लोग, वही आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए बिना किसी योजना के जो आपसे बहसबाजी करे तुरंत उसका निपटारा कीजिए, और संतान के प्रति अपना फर्ज निभाएं। हर मांग पूरी नहीं करनी, जो मांग जायज है उसको पूरी कीजिए और नजायज मांग को बिल्कुल पूरा ना करें। अगले भाव पर आते हैं, छठे भाव में मीन राशि हो तो आपके जो शत्रु होंगे आप उनको मित्र समझेंगे, जो आपके मित्र होंगे उनको आप अपना शत्रु समझेंगे। तो काफी समय के बाद आपको मालूम होगा कि भाई ये तो मेरा शत्रु था जिसे मैं अपना मित्र समझता रहा और उसने मेरा इतना नुकसान कर दिया। तो पहले ही मित्र और शत्रु में भाई अंतर कीजिए। कभी भी जीवन में अड़चने आए, कठिनाइयां आए, उसके बारे में अधिक चिंता ना करें, क्योंकि दो मछलियां हैं मीन राशि का चित्र। एक परिस्थिति ऐसी बनेगी कि कठिनाई आएगी और दूसरी परिस्थिति ऐसी बनेगी कि कठिनाइयां अपने आप दूर होती रहेंगी, यानी ईश्वर खुद किसी ना किसी रूप में आकर आपकी कठिनाई दूर करेगा। जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, मामा मामी मौसी, तो भाई उनमें से कुछ तो आपके साथ होंगे, कुछ आपका साथ होने का ड्रामा करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि ननिहाल पक्ष के जो लोग हैं उनसे कोई भी लेन देन ना रखें, और अगर लेन देन रखना हो तो बिल्कुल सीधी बात करें, कोई शर्म वाली बात ना करें, और अपने आप में पूर्ण आत्मविश्वास रखें। अगर नौकरी करते हैं तो इस डर से कभी नौकरी नहीं करनी कि कहीं मेरी नौकरी चली ना जाए। दब कर नौकरी करोगे तो जो आपको प्रमोशन वगैरह मिलनी है, इंसेंटिव वगैरह मिलने हैं, वो कम मिलेंगे। अगर सरकारी क्षेत्र में हो तो अगर दबकर काम करोगे तो आप पर अधिक जिम्मेदारियां डाली जाएंगी और आप अंदर ही अंदर दुखी होते रहोगे। अगर भाई सप्तम भाव में मीन राशि हो तो जो आपका जीवन साथी है उसको कभी भी कोई राज की बात ना बताएं। अगर उसको आप राज की बात बताएंगे
तो आपकी बहुत तारीफ करेगा वो, लेकिन जब आपकी बहसबाजी हो गई तो वही बात दोहराई जाएगी और आपको नीमा दिखाया जाएगा, यानी आपको डीमोरलाइज किया जाएगा आपके जीवन साथी के द्वारा। जीवन साथी के प्रति अपने फर्ज निभाएं, लेकिन राज की कोई बात ना बताएं और उसकी कोई नजायज मांग पूरी नहीं करनी, उसके कहने पर कोई बड़ा खर्च नहीं करना, नहीं तो भाई ऋण लेना पड़ सकता है, और अगर लग्जरी वस्तु के लिए ऋण ले लिया तो उसको उतारना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए जीवन साथी ने कहा कि बड़ी गाड़ी लेनी है, तो आपने अधिक लोन ले लिया तो उसको उतारना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कोर्ट केस से कभी डरे ना, अगर कोई आपको धमकी दे कि मैं आप पर कोर्ट केस करूंगा या पुलिस में जाऊंगा, तो बिल्कुल ना डरे, उसको कहें कि भाई तू जो करना है कर ले। जितना डरोगे उतना लोग अधिक डराएंगे आपको, और फिर गुस्सा आपके दिमाग में भरता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटेगा और आप दूसरे का भी बहुत अधिक नुकसान करोगे और खुद का भी बहुत अधिक नुकसान करवाओगे, क्योंकि दोनों मछलियां हैं जो मीन राशि का चिन्ह है, और दोनों की जो दिशा है वो अलग अलग है। अष्टम भाव में मीन राशि हो, जब भी अष्टम भाव में मीन राशि होती है तो आप योजना बनाते रहते हो कि उससे मुझे लाभ होगा, मैं ये काम करूंगा इससे मुझे लाभ होगा, अपने पिता से लाभ कैसे लूं, अपनी ससुराल पक्ष से लाभ मुझे कैसे हो, तो भाई ये योजनाएं बिल्कुल ना बनाएं। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे किसी से कोई लाभ नहीं चाहिए, तो आपको गुप्त लाभ होंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ होंगे और ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा। अगर आप प्लानिंग बनाए कि ससुराल पक्ष से कैसे लाभ लिया जाए, तो आपको बिल्कुल लाभ नहीं होगा। इसके अलावा जीवन में मुसीबतें आए, कितनी बड़ी मुसीबत हो, कोई ना कोई गुप्त शक्ति आपकी सहायता करेगी, इसलिए बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो बिल्कुल नहीं डरना, ना ही सोचते रहना है कि इसमें से हम कैसे निकलें, अपने आप निकल जाएंगे, इस तरह की परिस्थितियां बनती जाएंगी। विदेश यात्रा करनी हो तो ईश्वर पर छोड़ दे, बच्चे जिन्होंने बाहर जाकर पढ़ाई करनी है अप्लाई कर दे और अधिक कोशिश ना करें, अपने आप धीरे धीरे कार्य हो जाएगा। जितनी अधिक चिंता करोगे, जितनी अधिक कोशिश करोगे, उतना ही भाई आपका काम लेट होगा। भाग्य भाव में मीन राशि हो तो ये सोचकर काम ना करें कि वो मेरी मदद करेगा, अगर 50 रुपए हैं तो 50 रुपए का ही काम करें, ये नहीं कि 50 रुपए मुझे उधार मिल जाएंगे, 100 रुपए का काम कर लिया, तो अगर ऐसा करोगे तो भाई आपको मायूसी का सामना ही करना पड़ेगा। किसी पर परोपकार एक लिमिट में करें, जिस पर परोपकार करोगे, जिसका अच्छा करोगे, वही आपका शत्रु बनेगा, और फिर आप सोचोगे कि मैं इसका बुरा कैसे करूं, तो पहले ही एक लिमिट में रहकर किसी का अच्छा करें, अधिक परोपकार ना करें। धार्मिक होने का दिखावा कभी नहीं करना, और अगर आपका मन करता है किसी धार्मिक स्थान पर जाने का तो जाएं, अगर नहीं करता तो ना जाएं। अगर आपके घर कोई मेहमान वगैरह आया हो तो उसके सामने कोई पाठ पूजा ना करें,
वरना उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा नवम भाव में जब मीन राशि होती है तो जो आपके राज हैं अपने भाई बहनोई और सारा, इनको बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि ये आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं। गुरु से आशीर्वाद लेकर काम शुरू कीजिए, किसी विद्वान से आशीर्वाद लेकर काम शुरू कीजिए तो आपका कार्य सफल होगा। और जब भी कोई कार्य शुरू करना हो डबल माइंडेड नहीं होना, एक बार निर्णय लीजिए और कार्य शुरू कीजिए तो आपको सफलता 100% प्राप्त होगी। अगर दशम भाव में मीन राशि हो तो ये भाव होता है शक्तियों का, जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने का, और आपका जो पेशा है जो प्रोफेशन है उसका होता है। तो जो भी आपका पेशा है उसमें निरंतर मेहनत कीजिए, लेकिन ये सोचकर नहीं करनी कि मैं इस उम्र तक इतने पैसे कमा लूंगा या मेरी प्रमोशन हो जाएगी। तो ये अगर आप योजना बनाकर अपने कार्य क्षेत्र में कोई काम करोगे तो भाई उसमें आपको सफलता बहुत डिले के साथ लेट मिलेगी। हाँ, जो आपकी प्रोफेशनल एफिशिएंसी है उसके अनुसार आप काम कीजिए, पूरी मेहनत के साथ कीजिए, तो देखते ही देखते आप अपने कार्य क्षेत्र की ऊंचाइयां हासिल कर लेंगे और आपके पास अच्छी शक्तियां भी होंगी, क्योंकि जो आपका पेशा है उसमें आप बहुत तरक्की करोगे, जिसके कारण आपके जो संबंध है अच्छे अच्छे लोगों से होंगे। अगर सरकारी क्षेत्र में हो तो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन दबना किसी से नहीं। अगर आप दबे तो नजायज जिम्मेदारी आप पर डाली जाएगी, और अगर व्यवहार अच्छा रखेंगे और कूटनीति से चलेंगे तो बड़े बड़े अफसरों से, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से आपके अच्छे संबंध होंगे, और आप अपने कार्य भी सिद्ध करोगे और दूसरों के कार्य भी भाई सिद्ध करवा लोगे। अगर 11वें भाव में मीन राशि हो तो जो आपके मित्र हैं, एक मित्र की सहायता की दूसरे को बिल्कुल नहीं बताना, किसी मित्र के साथ कैसे संबंध है दूसरे को नहीं बताना, नहीं तो वो आपके संबंध खराब करने की कोशिश करेगा। आमदनी में कैसे बढ़ोतरी करनी है, कोई साइड बिजनेस करना है तो एक बार सोच ले और वो काम करें, ये नहीं कि योजना ही बनाते रहें कि ऐसे नहीं ऐसे कर लूं, ऐसे नहीं ऐसे कर लूं। कोई योजना अधिक ना बनाएं, एक बार दिमाग में बात आ गई, एक बार सोच लें कि इस कार्य में लाभ है, वो कार्य आप शुरू कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं, मान लीजिए आपने कोई किस्त भरनी है लोन की, तो सोचना नहीं कि पैसे कहां से आएंगे, कोई योजना नहीं बनानी है, दिक्कत अपने आप पैसे आएंगे और आपकी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेंगी। जो मनोकामनाएं आपकी, जैसे कोई गाड़ी बहुत पसंद आ गई आपको तो आपने सोचा कि ये खरीद लूं, तो वो मनोकामना अपने मन में दोहराते ना रहें, तो वो मनोकामना बहुत जल्दी आपकी पूर्ण हो जाएगी। अगर दोहराते जाओगे कि कब पूरी होगी तो भाई फिर डिले के साथ पूरी होगी, विघ्न बाधाओं के साथ पूरी होगी। अगर मनोकामना मन में आई उसको भूल जाए तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर 12वें भाव में मीन राशि हो तो बहुत अच्छा योग बनाती है, ये तो
क्योंकि ये जो भाव है मोक्ष का भाव है। गुप्त शक्तियां, गुप्त आत्माएं, आपके पितरों की आत्माएं हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपके पास मौका है। किस बात का मौका है? मोक्ष प्राप्त करने का। जीवन मरण के आज जो चक्कर है, इस मृत्यु लोक पर आप बार बार आ रहे हो, बार बार जन्म ले रहे हो, इससे आप मुक्ति पा सकते हो। थोड़े अच्छे कार्य कीजिए, बीमारों की सेवा कीजिए, जरूरतमंदों की सेवा कीजिए, तो हो सकता है कि ये आपका आखिरी जन्म हो। इसके अलावा जन्म भूमि से अगर दूर हो तो वहां पर पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कीजिए। बहसबाजी वहां किसी से नहीं करनी, कूटनीति से काम करना है और कोई भी काम डरकर नहीं करना, क्योंकि आपके मन में एक भय रहेगा कि कहीं इस काम का नुकसान ना हो जाए। गरीब को, जरूरतमंद को कभी दुखी नहीं करना, उसकी सहायता ही करनी है और जीवन में कभी घबराना नहीं, क्योंकि गुप्त शक्तियां और आपके जो पितर हैं उनकी आत्माएं हमेशा आपके साथ हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत में से आपको ऐसे निकाल लेंगी कि जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है, ऐसे आपकी मुसीबतों को उड़ाकर ले जाएंगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था मीन राशि के ऊपर कि जिस भाव में मीन राशि हो, एक तो उस भाव के प्रति कोई योजना नहीं बनानी, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से संतुलन बनाकर चलेगी ये राशि, और दब कर काम नहीं करना, डर कर काम नहीं करना, तो जीवन में आप बहुत सफलता हासिल करोगे। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक यू लोग।